नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से हमारी कंपनी के जो GSTR एनुअल रिकॉर्ड यानी कि 9 और 9C किस प्रकार से तैयार करते हैं, और GSTR 9 और 9C तैयार करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे कि हमारा जो GSTR 9 और 9C प्रॉपर सही तरीके से फाइल हो सके। तो दोस्तों, GSTR 9 फाइल करने की जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2021, जिसके लिए हमारे पास बहुत ही कम समय अभी बचा हुआ है। तो हमें जल्दी से GSTR 9 9C के लिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेडी करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम दोस्तों प्रैक्टिकल तरीके से एक्सेल चार्ट के थ्रू ये बातें हम समझेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, वो रिकॉर्ड हमने जो GST रिटर्न फाइल करते वक्त जो दिया था, यानी कि GSTR 1 हम मंथली फाइल करते हैं, GSTR 3 भी हमने मंथली फाइल करी है, तो वो सारा डाटा हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि टैली सॉफ्टवेयर में, उसके साथ सही तरीके से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो उसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, और GSTR 9 किसके लिए कंपलसरी है, GSTR 9C किसके लिए कंपलसरी है, ये भी इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूज़र हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर को सीख के किसी कंपनी में अकाउंट्स जॉब की शुरुआत करोगे, तो भी आपको इन फ्यूचर GSTR 9 या फिर 9C तैयार करनी पड़ सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, GSTR एनुअल रिटर्न यानी कि GSTR 9 9C की जो कहानी है वो हमारे दिमाग में इजी तरीके से सेट हो जाए, अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इसको छोटा सा एक रिकॉर्ड इस टैली सॉफ्टवेयर में तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हमने करी हुई है टैली सॉफ्टवेयर में, उसको हम एक बार ओपन करके देखेंगे। डे बुक पर जाएंगे और F2 करके हमने पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का डाटा हमने ओपन कर लिया। तो दोस्तों, हम ये मान के चलेंगे भी ये जो रिकॉर्ड हमने तैयार किया ये पूरे साल का रिकॉर्ड है, और ये हमने मंथली मंथली रिटर्न के साथ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाया। तो दोस्तों, इस रिकॉर्ड में मैंने एक बार परचेज, सेल, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करी हुई है। तो इतने से रिकॉर्ड को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमारा GSTR 9 हमारे अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा भी GSTR 9 का आखिरकार मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी GSTR जो 9 है वो किसको फाइल करना कंपलसरी है, यानी कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा की है तो उन्हें GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, और जिसकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की है उनको GSTR 9C भी फाइल करना जरूरी है। तो दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर से GSTR 9 रिकॉर्ड किस तरीके से तैयार होता है, इसके लिए हम GST रिपोर्ट पर जाते हैं। और जैसे हम GST रिपोर्ट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा एक ऑप्शन आता है GST एनुअल कंपटीशन। तो दोस्तों, हम इसको ही कह सकते हैं भी ये हमारा GSTR 9 होता है, लेकिन GSTR एनुअल कंपटीशन रिकॉर्ड को देखने से पहले हमें और को बहुत कुछ ही देखने वाला बकाया पड़ा है। क्या पड़ा है कि सबसे पहले हम इस बात को वेरीफाई करेंगे भी जो हमने सेल दी है वो जो सेल का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास प्रॉपर GSTR 1 में सही आ रहा है, GSTR 3 भी में सही तरीके से आ रहा है, या हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हमें एक जैसा बिल्कुल सही तरीके से शो हो रहा है, या उसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पूरी सेल को देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, और GSTR की जो हमारी सेल है टोटल सेल वो है 19,825 रुपये की, इसमें हमारी GST 5, 12, 18, 28 के यानी कि सभी टाइप के सेल इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं GSTR 3B की। तो GSTR 3B की रिपोर्ट को देखने के लिए हम GST रिपोर्ट पर जाएंगे, GSTR 3B पे जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमारे पास जो टोटल सेल आ रही है, जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो भी आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लेबर टू रिवर चार्जेस, तो टोटल हमारी जो सेल है वो 19,825 रुपये यहाँ पर भी हमें शो हो रही है। तो यानी कि 3B का जो रिकॉर्ड हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। और दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है भी आप जब भी रिटर्न टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से अगर आप तैयार करते हो तो आपके ये जो एरर है ये 0 होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास जो आ रही है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी कि ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से आपके रिटर्न में एरर आ रही हो,
तो अगर आपका एरर यहाँ पर शो करेगा तो आपका GSTR को जो एनुअल कॉम्पोटेशन है वो प्रॉपर सही तरीके से तैयार नहीं होगा। अब हम चलते हैं GSTR 1 पर, और 1 का भी हम डाटा एक बार ओपन कर लेंगे। तो अब 1 में अगर हम बात देखें तो टोटल जो हमारे पास सेल आ रही है वो 19,825 की यहाँ पर भी आ रही है। अब इस सेल के अंदर जो हमारी सेल है और या फिर जो हमारी सेल रिटर्न है वो प्लस माइनस करने के बाद जो हमारी नेट सेल है वो हमें 19,825 आ रही है, यानी कि इसके अंदर हमने क्रेडिट नोट वगैरह भी इशू हुए हैं, यानी कि सेल रिटर्न हुई है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो एरर है वो जीरो है, ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं GSTR के एनुअल कॉम्पोटेशन पे। तो दोस्तों GSTR एनुअल कॉम्पोटेशन का वास्तविक मतलब होता है भी अगर आपने साल के दौरान GST रिटर्न फाइल करते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, मान लीजिए आपकी जो सेल है रिटर्न में आपने कम दे दी या रिटर्न में आपने ज़्यादा दे दी, प्रेजेंट टाइम में बुक्स में हमारे पास कम आ रही है, तो इन सभी को बिल्कुल इक्वल करने के लिए, यानी कि ये हिसाब किताब आपका बिल्कुल सही करने के लिए में GSTR 9 है जो फाइल करनी होती है। यानी कि आपसे गलती हो सकती है, हर अकाउंटेंट से हो सकती है, अमूमन हर कंपनी में ऐसा चलता रहता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रिटर्न के साथ और बुक्स अकाउंट के साथ है जो चलता रहता है, तो वही हमें सही करना है। ये हमारा GSTR 9 या 9 से आप समझ सकते हो उसको। तो अभी आप देख रहे हो जब डेली सॉफ्टवेयर से अगर हम GSTR 9 यानी कि एनुअल कॉम्पोटेशन हम देखेंगे तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, ये एरर भी आपकी जीरो होनी चाहिए। अगर हम बात करें सेल की तो पहला स्टार्टिंग पे जो हमारे पास ऑप्शन आएगा हमारी लाइबिलिटी का, अब उसके अंदर इस लाइबिलिटी के अंदर हमारी जो सेल है वो टोटल है 19,825। दोस्तों होता क्या है GSTR जो हमें एनुअल जो रिकॉर्ड हमें तैयार करना होता है उसके अंदर आपको ज़्यादा विशेष ध्यान में नहीं रखना भी आपने रजिस्टर्ड लोगों को सेल कितनी करी है, अनरजिस्टर्ड लोगों को सेल कितनी करी है, आपने क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट रजिस्टर्ड लोगों को कितने इशू किए, ये रिकॉर्ड हमें तैयार करके देना होता है एनुअल में। अब इसके लिए हमें कोई अलग से वाउचर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पूरे साल में हमने यानी कि अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो हमने 12 रिटर्न फाइल करी है GSTR 1 की और GSTR 3 भी की, उन सभी को इकट्ठा करके ही GSTR 9 बनता है, यानी कि पूरे साल का डाटा हमें इकट्ठा करना है और उस रिकॉर्ड को हमें चेक करना होता है भी जो रिकॉर्ड हमने ऑनलाइन पोर्टल पे GSTR 1 के रूप में या फिर GSTR 3 भी के रूप में जो हमने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मिस्टेक आ सकती है, वो क्या आएगी उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों जो GSTR 9 का जो कॉम्पोटेशन है इसको हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया है, तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास आता है आउटपुट सप्लाई का, यानी कि सेल से संबंधित जो भी हमारा रिकॉर्ड है, चाहे वो आपकी एग्जम्प्ट सेल हो, टैक्सेबल सेल हो, या फिर किसी टाइप की RCM की अगर आपकी कोई सेल हो, किसी भी टाइप की सेल हो जिसके ऊपर आपके टैक्स डिपॉजिट कराने की लाइबिलिटी आपकी बनती है, वो हमारा आउटपुट का पार्ट आता है। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का, भी आपको पूरे साल में आपने कितना गुड्स परचेज किया तो आपको ITC कितना मिला, अब ITC आपको जो ट्रेडिंग के पार्ट है उससे कितना मिला, कैपिटल गुड्स खरीद के आपको कितना मिला, या फिर ITC आपको सर्विस के रूप में कितना मिला, इसका रिकॉर्ड देना भी एक तरह GSTR 9 का ही पार्ट है। यानी कि हमने जो भी परचेज करी है उसके ऊपर टैक्स हमने कितना दिया और हमने उस बुक्स में उस ITC का क्लेम कितना किया है, तो उसका रिकॉर्ड भी हमें GSTR 9 में ही देना होता है। यानी कि टोटल आप यूँ कह सकते हैं कि आपने टोटल परचेज करी है उसका आपने इनपुट कितना दिया, टोटल सेल आपने करी कितनी करी है उसका आउटपुट टैक्स आपका कितना बनता है, बुक्स में कितना बनता है और आपने ऑनलाइन कितना दिखाया हुआ है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक बार ऑनलाइन एक्सेल के चार्ट पे, हम ऑनलाइन और बुक्स के साथ रिकॉर्ड को मैच करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास रिकॉर्ड स्टार्टिंग में एज पर बुक्स का, और जो बुक्स का रिकॉर्ड है वो अभी आपने देख लिया, वो हमने इस अकॉर्डिंग के तैयार किया हुआ है हमारे GSTR 9 के थ्रू, यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बुक्स में जो रिकॉर्ड आ रहा है वो रिकॉर्ड हमने यहाँ पर लिख लिया है। और ये जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है GSTR 3B यानी कि जो 3B के अंदर हमने जो सेल दी थी उसका रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड है हमारे पास GSTR 1 का, GSTR 1 में हमने क्या कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आप बुक्स में अभी अब देख लिया 19,825 रुपये की हमारे पास सेल की वैल्यू आ रही है, यानी कि टोटल सेल तो हमारे पास है 20,269 रुपीज़ की, जिसके अंदर 444 की सेल रिटर्न हो चुकी है, तो नेट सेल हमारी 19,825 की है। ये हम ये मान के चलेंगे कि पूरे साल का डाटा हमने इकट्ठा किया हुआ है, और ये पूरे 3B है ये भी हमने ईयरली रिकॉर्ड हमने तैयार किया है। अब ये जो सेल है, अब इस 3B के अंदर जो सेल हमारे पास आ रही है 24,716 रुपये की, और अभी प्रेजेंट टाइम में बुक्स में आ रही है 19,825 रुपये की, तो सबसे पहले आपका बुक्स और 3B के अंदर इस बात का डिफरेंस आ गया,
तो दोस्तों अब ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस आपको आपका जो टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट है या फिर सी ए, वो आपसे ज़रूर पूछेगा भी ये डिफरेंस आने का कारण क्या भाई, क्यों कारण आया, तो इसका आपके पास जवाब होना चाहिए। तो दोस्तों अभी कारण क्या हो सकता है, मान लीजिए ये जो सेल हमारी, इस सेल के अंदर 19,825 रुपए की तो सेल हमारे पास जो करंट फाइनेंशियल ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की है वो तो है ही, इसके अलावा सेल कौन सी है, हम इसको एक बार माइनस करके देखें भी 24,716 में से 19,825 रुपए। तो अगर हम बात करें यानी कि 4,891 रुपए की सेल आपने जीएसटीआर 3B में ज़्यादा दे रखी है। अब दोस्तों ये फाइल ज़्यादा करने का रीज़न आपका ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपके पास ये जो सेल है ये आपकी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की सेल है, यानी कि पिछले साल की जो मार्च की सेल रहेगी या फिर आपकी फरवरी की हम कह सकते हैं, वो सेल आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपने नहीं दिखाई, उसको आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान आपके जो अप्रैल मंथ की जब आपने रिटर्न फाइल करी तो उस रिटर्न में आपने इस सेल को ऐड कर दिया, पहला रीज़न तो आपका ये हो सकता है। दूसरा रीज़न मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर आपका पुराना था ही नहीं, आपने इसी साल से 2021 से ही आपने काम स्टार्ट किया था, तो अब मान लीजिए कुछ ऐसा भी हो सकता है भी जब आपने GSTR 3B रिटर्न फाइल करी तो उस वक्त आपके पास सेल है जो आपने टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री आपने गलत कर रखी थी, लेकिन बाद में आपको पता चला भी हमने बारी बुक्स के अंदर सेल की जो एंट्री है वो हमने गलत कर रखी है, तो आपने बुक्स में तो सेल की जो एंट्री है वो तो सही कर ली, तो उसकी वजह से आपकी जो सेल है कम होगी, यानी कि मान लीजिए आपने कोई इनवॉइस है जो डबल पोस्ट कर रखा था या आपने कोई वैल्यू गलत डाल रखी थी उसकी वजह से आपका फ़र्क आ गया, बुक्स में तो आपकी सही होगी, जैसे हमने एंट्री को सही किया बुक्स में एंट्री सही होगी, लेकिन आपने GSTR 3B के रिटर्न में हो सकता है आपके इसने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान आपने इसको सही करवाया हो, तो ये भी कारण इसका हो सकता है। तो ये आपको इसका अलग से चार्ट हमें मेंटेन करना पड़ेगा भी ये जो 4,891 रुपये की सेल है ये हमारी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की है या फिर गलती से होगी, इसका हमने रेक्टिफाई है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 21-22 के दौरान इसको करेक्शन कर लिया है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं सेल की GSTR 1 के साथ और GSTR 3B के साथ। अब GSTR 1 में जो आपने जो रिकॉर्ड दिया सेल का वो है 22,690 रुपये का, यानी कि अब ये जो तीनों रिकॉर्ड आपस के अंदर मैच नहीं कर रहे, यहाँ पे सेल कुछ ज़्यादा आ रही है यहाँ पर फिर आपके GSTR 1 में आपने कम दिया, यानी कि अब सबसे पहले हम फाइल करते हैं GSTR 1 को, तो 1 में आपने जो सेल दी 22,690 रुपये की, यानी कि इस 22,690 रुपये में आपकी जो प्रेजेंट टाइम में बुक्स की जो सेल है 19,825 की वो आपकी यहाँ पर इंक्लूड है इसमें 19,825 की सेल, और आपने GSTR 1 में आपने दे दी 22,690 रुपये की, तो यानी कि 2,865 रुपये की जो सेल है वो आपने GSTR 1 की जब रिटर्न आपने फाइल करी तब आपने ज़्यादा दे दी। तो अब इसका मतलब ये भी हो सकता है भी आपने 2,865 रुपये का कोई एक ऐसा इनवॉइस हो जो आपने रिटर्न के वक्त तो दे दिया लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद आप अपनी बुक्स में से उसको डिलीट कर दिया हो, गलती की वजह से बुक्स आपने कोई वाउचर डिलीट कर दिया हो या फिर वाउचर में आपने करेक्शन करी उसकी वजह से 2,865 रुपये का डिफरेंस आ गया, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा भी कौन सी ऐसी डिटेल गलती थी जो हमें कर दी, तो इसका हमें एक अलग से सेपरेट है जो चार्ट बनाना पड़ेगा, या आपने जो इसका जो डिफरेंस आया है ये डिफरेंस आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको रेक्टिफाई करवा दिया या नहीं करवा दिया वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सेल एक्सेस कर दी तो यहाँ पर आपका आउटपुट टैक्स है वो भी एक्सेस हो जाएगा, और ये जो डिफरेंस आ रहा है अब ये डिफरेंस 3B के अंदर मान लीजिए आपका जो सेल का जो डिफरेंस आ रहा है इस सेल के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 की सेल भी शामिल हो सकती है, या फिर आपने 3B के अंदर भी आपने कुछ और ज़्यादा जो सेल करी है वो 24,716 की करी है, यानी कि 24,716 रुपये की आपने GSTR 1 की एंट्री करने के बाद में कुछ और करेक्शन किए, क्योंकि पहले हमारी GSTR 1 फाइल होती है उसमें आपकी 22,690 रुपये की सेल आपने करी, उसके बाद GSTR 3B हम देते हैं तो वहाँ पर आपकी सेल बट क्योंकि 24,716, यानी कि आपने सॉफ्टवेयर में कुछ भी और चेंजिंग करी हो तो जिसकी वजह से सेल और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो आपका GSTR 1 का और 3B का डिफरेंस ये आ गया। तो यानी कि अब टोटल अगर हम बात करें इन दोनों का तो ये डिफरेंस 2,865 रुपये का, यानी कि अब 2,891 में से 2,865 रुपये भी शामिल है, अगर इसमें से 2,865 रुपये अगर हम कम करें तो वो डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा कि वो डिफरेंस आपका पिछले साल की सेल था या आपकी कोई सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से वाउचर करेक्शन की वजह से आपने की कोई सेल है जो इंक्रीज होगी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो 19,825 का, यानी कि ये आपका बिल्कुल फाइनल डाटा है,
तो अब इस टाइप की अगर हमारे पास कोई गलतियां हो गई है साल के दौरान में, सेल कम चली गई हो, ज़्यादा चली गई हो, तो इसी को रेक्टिफाई करना है हमारा GSTR 9 का काम होता है। दोस्तों ये तो था सेल का रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं इनपुट की, यानी हमने जो परचेज के ऊपर जो टैक्स दिया हमारा इनपुट टैक्स है वो हमारे पास बुक्स में रिकॉर्ड कितना आ रहा है। अब मान लीजिए जैसा कि हमारे पास जो बुक्स में रिकॉर्ड है वो 1113 CGST और HST के रूप में आ रहे हैं। 3862 रुपये हमारा IGST का टैक्स था जिसके अंदर हमने एक डेबिट नोट इशू कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न होगी तो उसकी वजह से हमारा ITC जो कम हो गया। तो अब हमारे पास बुक्स में जो रिकॉर्ड आ रहा है 1263 इसके अंदर 150 रुपये और 150 रुपये ओपनिंग है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो हमारे पास एक्सेस था CGST और HST वो हमारे पास डाटा आ रहा है। लेकिन 3B के अंदर आपने उसका ओपनिंग कुछ भी जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब मान लीजिए एक ऐसा कोई भी मार्च का इनवॉइस हो सकता है, वो आपने ये जो 3B की जो रिटर्न है ये यहाँ तक आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको बाद में ऑडिट के टाइम में पता चला भी आपका एक परचेज का इनवॉइस मिस है, वो एंट्री आपने बाद में करी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आने के बाद आपने वो एंट्री करी है बैक डेट में जाके, तो 150 रुपये सॉफ्टवेयर में ये एक्सेस हो जाएगा आपका, लेकिन आपने यहाँ पर ओपनिंग में न लेने के बजाय आपने इसको जो आपकी अप्रैल मंथ की रिटर्न थी या मई मंथ की रिटर्न थी, यानी कि सितंबर महीने तक आपने इस 150 रुपये को यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब हम बात करें भी ये जो 1263 रुपये है, इस 1263 में 1113 रुपये तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का जो ITC है वो इंक्लूड है, और इसमें आपने 150 रुपये और ऐड कर दिए जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, तो इसकी वजह से आपका जो ITC है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि 1263 और 1263 हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच हो गया। लेकिन अगर हम बात करें भी एज पर Portal 2A, यानी कि अगर ITC आकर आपका पोर्टल पर अगर आपको ज़्यादा शो करता है, यानी कि अब जैसे कि आपका पोर्टल पर 2A में आ रहे हैं 1560 रुपये और 65 पैसे और बुक्स में आपने क्लेम किया हुआ है 1263 रुपये का, तो इन दोनों का डिफरेंस आने का रीज़न क्या है? तो यानी कि ऐसा कुछ ITC भी हो सकता है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, या उसको ITC आपने लिया ही नहीं, जैसा कुछ आपका बैंक की सर्विस हो सकती है, बैंक SGST टैक्स लगाता है वो आपने ITC नहीं लिया, या आपने कुछ ऐसा कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया हो, या ऐसी आपने कोई अदर सर्विस ली हो जिसके लिए आपने ITC आपने क्लेम नहीं किया लेकिन वो आपका पोर्टल पर शो कर रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका भी हमें एक अलग से सीट तैयार करनी पड़ेगी भी। इसके अलावा यानी कि अगर इसमें से हम प्लस माइनस करके देखें तो 1560 माइनस 1263 रुपये, तो यानी कि 297 रुपये 65 पैसे एक साइड का, यानी कि CGST साइड आपका एक्सेस आ रहा है। तो ये 297 रुपये कैसे आ रहे हैं वो आपको अलग GST 2 का जो डाटा है आपका वो आपको अपने बुक्स के साथ मैच करना पड़ेगा। जो जो आपने दे रखा है उसको कट करेंगे और जो रह जाएगा उसका हमें अलग से चार्ट तैयार करके हमें हमारे टैक्स प्रोफेशनल को बताना पड़ेगा कि ये ऐसी सर्विस थी जिसका हमारे पास पोर्टल पर तो शो कर रहा है बट हमने इसका बुक्स में ITC जो नहीं लिया, ताकि हमारा जो रिकॉर्ड हमारा जो पोर्टल पे शो कर रहा है वो हमारे बुक्स के साथ हमें मैच हो जाए, हमें पता चलता रहे भी एक्सेस आने का रीज़न क्या है। तो ये इस टाइप की जो मिस्टेक होती है, इस टाइप की जो गलतियां अगर हमारे से हो जाती है इस फाइनेंशियल ईयर के, हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेल करी है, नेक्स्ट वाली उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर दी, तो इस टाइप के डाटा का जो हमारा जो कंपेरिजन चार्ट होता है वो हमें अलग से मेंशन करके रखना पड़ता है, जैसे कि हमें प्रॉपर वे में हमारा जो GSTR 9 और 9C है वो सही तरीके से तैयार हो सके। तो हमें बुक्स को रिकॉर्ड बुक्स को 3B के साथ, 3B का रिकॉर्ड GSTR 1 के साथ और 1 का बुक्स के साथ भी अच्छी तरीके से कंपैरिजन करके फिर ही हमें GSTR 9 है जो फाइनल तैयार करना होता है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रेजेंट टाइम में आपके पास बुक्स में जो रिकॉर्ड है वही आपको सही तरीके से दिखाएगा, और वो भी आपको ध्यान में रखना है जब GSTR एनुअल रिटर्न हम तैयार करें तो वो करेक्शन हमारे पास जीरो रहनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड सारा आना है, B2B रजिस्टर्ड लोगों को कितना सेल किया, अनरजिस्टर्ड लोगों को सेल किया इतना किया, क्रेडिट नोट आपने कितने इशू किए, डेबिट नोट कितने इशू किए, यानी कि पूरे साल में जो आपने GST से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन करी है, चाहे वो आउटपुट की ट्रांजैक्शन हो या फिर वो इनपुट की ट्रांजैक्शन हो, उस सभी को रिकॉर्ड को इकट्ठा करके देना GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको GSTR 9 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।